जय हिंद दोस्तों। 65 लाख केंद्रीय कर्मी, पेंशन भोगी और सैनिकों के लिए 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2024 तक 0 से 125% की बढ़ोतरी हुई। सभी आंकड़े दिखाएंगे और बताएंगे कि ओआरओपी के बाद एमएसपी और ग्रेड पे में क्या चेंजमेंट आया। पहले 6700 रुपए और बाद में 18000 रुपए, ये कैसे चेंजमेंट आया। पेंशन, सैलरी और डीए में 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2024 तक कैसे बदलाव आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितना आंकड़ों में चेंजमेंट आया, आपको कितना नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। सबसे पहले तो एक आंकड़ा मैं देता हूं, 1/1/2006 से 1/1/2006 को 5वां वेतन आयोग लागू था, लेकिन 1/7/2006 को आपको लागू हो गया 6ठा वेतन आयोग। 6ठा वेतन आयोग 2006 में लागू होना था, लेकिन 2006 में लागू नहीं हुआ, उसका गठन किया गया लेट, जिसकी वजह से ये 2006 में लागू नहीं हुआ। और बता दें, सिपाही 3 साल सर्विस जो कर जिनकी थी, सिपाही को उसको 5200 रुपए मिल रहा था 1/7/2006 को, 5200 रुपए बेसिक मिल रहा था, यानी टोटल सैलरी मिल रही थी 5200 रुपए, जिसमें बेसिक उस समय हुआ करता था 3200 रुपए। इसके बाद क्या हुआ कि 1/7/2006 को तो आपका पे कमीशन, 6th पे कमीशन लगना था, लेकिन ये 6th पे कमीशन 2008 अक्टूबर में लगा था। 6th पे कमीशन लागू किया गया था, ये लागू किया गया था 1/6/2006 से, लेकिन इस ये लगा था 1/1/2008 को, यानी कि 1/1/2008 से प्रभावी था। इसके बाद बता दें कि बढ़ोतरी इसमें 2009 में की गई, क्योंकि ये इसका जब बढ़ोतरी कर दी गई 2009 में, सिपाही 6 साल सर्विस करने वाले की सैलरी हो गई 11300 रुपए, जबकि उस समय बिना 6th पे कमीशन के 5th पे कमीशन के अनुसार 8300 रुपए मिल रहा था, जिसमें कि इसमें बेसिक कर दिया गया 6700, 3200 से सीधा 6700, और एमएसपी का इजाफा कर दिया गया, जवान है, जेसीओ है, उनको 2000 रुपए। इसी बीच कांग्रेस ने इसको क्यों डिले किया 6th पे कमीशन को, क्योंकि 2006 में लागू होना था और उसी टाइम 2 बार सरकार कांग्रेस की थी, तो चाहते तो इसको टाइम से लागू करते, लेकिन इन्होंने इसलिए डिले किया। इसका फायदा 2009 में इसलिए मिला क्योंकि 2009 में ही चुनाव थे, और चुनाव जैसे ही पे कमीशन लागू हुआ उसके बाद चुनाव हुए, जिसके बाद कांग्रेस जीत कर आई। लेकिन जब 2008 में पे कमीशन लागू हुआ और उसका फायदा 2006 से मिला, उस समय मैं बता दूं कि आपको काफी नुकसान हुआ। क्योंकि नुकसान किस चीज का हुआ, क्योंकि अगर हमारा जल्दी लागू हो जाता 2006 में, तो हमारा ये डीए जो नुकसान हुआ है, ये डीए हमें पहले से मिल रहा होता हमारी बेसिक पे, क्योंकि बेसिक बढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं बता दूं, तीसरा पॉइंट है, 3 साल का एरियर देना पड़ा सरकार को, 2006 से 2009 के बीच का 3 साल का एरियर, प्लस बढ़ी हुई सैलरी देनी पड़ी। कर्मचारियों के पास पैसा ही पैसा आ गया, क्योंकि 3 साल का एरियर जब मिल जाएगा और सैलरी में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि 6th पे कमीशन में सभी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं यही मानते हैं कि 6th पे कमीशन में हमारी सैलरी काफी अच्छी बढ़ी। तो 6th पे कमीशन में 3 साल का एरियर भी मिला और उसमें सैलरी बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद जो पेंशनर्स हैं, जो सर्विंग हैं, सर्विंग कर रहे हैं, उनको खरीदने की क्षमता बढ़ी और महंगाई चरम पर पहुंच गई। प्लाटों के और मकानों की जो संख्या कीमत है वो 2 से 3 गुना बढ़ गई अचानक 2008 और 9-10 के बीच में। आप देखें कि इसमें महंगाई सबसे ज्यादा थी। इसमें यह भी हुआ कि पेट्रोल इसी टाइम 82 रुपए, गैस सिलेंडर 730 रुपए तक पहुंच गया था, प्याज टमाटर 200 रुपए और अरहर की दाल 200 रुपए। इसी टाइम एक पिक्चर आई थी जिसमें गाना था महंगाई डायन खाए जात है, ये टाइम था 2009-10-11 का। उस टाइम बहुत चरम पर महंगाई थी और बता दें कि इस महंगाई की वजह से ही कांग्रेस हारी थी। इसके बाद एक और पॉइंट था, कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल में महंगाई तो बढ़ी, साथ में भ्रष्टाचार चरम पर था, जिसमें आपने देखा होगा स्मृति ईरानी महंगाई के विरोध में सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती थी, और भ्रष्टाचार के विरोध में अन्ना हजारे, केजरीवाल,
बाबा रामदेव भ्रष्टाचार पर आंदोलन कर रहे थे। इसमें कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार में ए से जेड तक बनाए गए थे, जो कि भ्रष्टाचार की लिस्ट थी ए से जेड तक। विकास नहीं हो पाया, पैसे पेड़ पर उगते हैं, ये मनमोहन जी की सरकार, मनमोहन जी ने कहा था कि क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं, उसी टाइम का समय था। विकास पुरुष के रूप में मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया और उन्होंने वादा किया ओआरओपी देंगे, जिस जीत की सबसे बड़ी वजह जो थी ओआरओपी देंगे, काला धन देंगे और 15 लाख, इतना काला धन है कि 15 लाख लोगों के खातों में आएंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, ये वादा था राम मंदिर 370 धारा का। इनके ज्यादातर वादा सही निकले, लेकिन इसमें जो वादे ओआरओपी में वादा जो किया गया था उसको लागू भी किया गया, लेकिन उसको उसमें जवानों को काफी अनदेखी हुई और जवान उसी में नाराज हो गए। अभी मैं बता दूं कि जो ये वादा किया था, इस समय महंगाई इतनी चरम पर थी, आप देख सकते हैं पहले डीए बढ़ रहा था 2 से 6% हुआ, 6 से 9 हुआ, 3% की 9 से 12 हुआ, ये कांग्रेस का ही टाइम है, और 12 से 16 हुआ, 16 से 22 हुआ। अब इसके बाद जैसे ही 2009 में पे कमीशन लगा, 6th पे कमीशन 2009 में जब सैलरी देनी शुरू हो गई, उस समय से आप देख लें 22 से सीधा 27 और 27 से सीधा 35, 35 से सीधा 45, यानी कि 10% डीए मिल रहा था उस समय, क्योंकि महंगाई चरम पर थी। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में जो सर्विंग है, सर्विंग कर रहे हैं पेंशनर्स हैं, उनको फायदा होता क्योंकि वो डीए 10% बढ़ाती है, यही वजह है कि डीए 10% उस समय बढ़ रहा था। और ये बात सही है कि उस समय डीए 10% के आसपास बढ़ता था, कभी 8%, कभी 9%, कभी 7%, तो इस तरह से डीए बढ़ता था। आज कल तो देख सकते हैं आप 3% 4% से ज्यादा बढ़ता ही नहीं है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि और भी आप देख सकते हैं 2014 तक डीए 107% हो चुका था, जबकि 2016 में पे कमीशन 7th पे कमीशन लगना था, उस समय डीए 125% हो चुका था। यानी कि अभी अगर देखा जाए 2 साल पहले पे कमीशन के 107% डीए हुआ था 2014 में, अभी भी पे कमीशन अगर 8वां पे कमीशन लागू किया जाता है तो हमारा डीए इस समय 50% भी नहीं पहुंच पाया है, और जबकि 2024 आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं डीए में कितना बड़ा चेंजमेंट हुआ है, कितना बड़ा कमी आई है उस समय और इस समय। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पर डीए बहुत बढ़ता था। अभी मैं बात कर लेता हूं एक और बात, मार्च 2014 में मोदी सरकार बनी और 2015 में ओआरओपी लागू किया गया, उस समय डीए 119% हो गया था, जब 1/7/2015 को ओआरओपी लागू किया गया था उस समय डीए हो गया था 119%। 2016 की जगह 2017 में 7वां वेतन आयोग का आयोग लागू किया गया, यानी कि 2016 से ही किया, लेकिन 2017 तक प्रभावी हो पाया, उसको लागू कर पाए। तो 2017 में यानी कि 1 साल का लगभग 9-10 महीने का डिले हो गया था। बेसिक उस समय सिपाही की 67,600 से सीधा 1,800 रुपए कर दी गई थी, यानी कि जो 6th पे कमीशन था उसमें बेसिक 66,700 रुपए था, और जो 7th पे कमीशन लगा उसमें सीधा 18,000 रुपए बेसिक कर दी गई। एमएसपी 2,000 से 5200 रुपए कर दी गई, और ये दोनों बेसिक में जोड़े जाते हैं, बेसिक और एमएसपी। यही वजह रही कि हमारी पेंशन जो सैलरी है, पेंशन है, वो तो ज्यादा नहीं बढ़ोतरी हुई 7th पे कमीशन में, लेकिन 7th पे कमीशन से सबसे बड़ा जो फायदा मिला हमें हमारी पेंशन में, जिनकी पेंशन 6,700 रुपए बेसिक होती थी उस समय, उसकी बेसिक के आधार पर अगर पेंशन देख ली जाए तो आधी 3,000-4,000 के आसपास पेंशन बनेगी डीए मिला के। अगर ये 7th पे कमीशन में डीए जो बेसिक है और एमएसपी है, ये इतना बढ़ गया कि हमारी बेस पेंशन ही इतनी बनने लगी जो 6th पे कमीशन में इतनी हमारी सैलरी नहीं होती थी। तो यही अगर 7th पे कमीशन का प्लस पॉइंट देखा जाए तो बेसिक में गजब इजाफा हुआ था जिसकी वजह से हमारी पेंशन बढ़ी, और 6th पे कमीशन में ऐसा हुआ कि हमारी सैलरी तो बढ़ी लेकिन बेसिक हमारी कम रखी गई, और उसी वजह से हमारी जो पेंशन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन 7th पे कमीशन में हमारी पेंशन में गजब बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसमें एक काम कर दिया गया कि जो एमएस जो बेसिक था उसमें ग्रेड पे भी जोड़ दिया गया, यानी कि ग्रेड पे जो अलग से मिलता था 6th पे कमीशन तक, वो हमारा 7th पे कमीशन में जीरो कर दिया गया।
बेसिक बढ़ने से पेंशन में जरूर इजाफा हुआ, लेकिन ग्रेड पे उस समय सेवंथ पे कमीशन में जीरो कर दिया गया क्योंकि इसको बेसिक में मर्ज कर दिया गया था। यानी कि अगर हम देख ले सेवंथ पे कमीशन में 18,000 प्लस 5200, इस हिसाब से हमारा बेसिक हो जाता है लगभग 23,000 के आसपास, तो काफी बढ़ोतरी हो गई। और उसकी अगर आधी पेंशन जोड़ लें और उसमें डीए लगा दें तो काफी हमारी पेंशन बढ़ने लगी थी 2014 के बाद। अब आप देख सकते हैं कि 1/1/2016 को जब पे कमीशन लगना था उस समय तक डीए हो चुका था 125%, यानी कि डीए में गजब इजाफा हो गया था 10 सालों में, जहां से जीरो से शुरू हुआ था। आप देख सकते हैं 2% से 1/7/2006 से जीरो से था और सीधा ये जो सेवंथ पे कमीशन लगा तब 125% उस समय डीए हो गया था। इसको बाद में मर्ज कर दिया गया, फिर हमारा डीए 2% से स्टार्ट कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं अभी जो लेटेस्ट इस टाइम पर, आपको बता दें कि हमारा डीए 1/1/2024 तक 50% होने वाला है। इस समय 46% हो चुका है और जिसका हमें एरिया जो पेंशन में और सैलरी में इसका बढ़ोतरी करके आने भी लगा है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा कोविड-19 के टाइम पर फ्रीज कर लिया गया था डीए, 18 महीने का डीए डीआर। इसमें बता दें 7 नवंबर 2015 को रक्षा मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया था जिसमें प्रीमेचर को 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर हुए हैं उनको ओवन रैंक वन पेंशन से बाहर कर दिया गया था। यानी कि 7 नवंबर 2015 को जो लेटर जारी किया गया था 1 जुलाई 2014 से उसको मतलब इफेक्टेड कर दिया गया था, उसको लागू कर दिया था। आप समझ सकते हैं कि 7 नवंबर 2015 को लेटर जारी होना हुआ है और 1 जुलाई से उसको लागू करना ये गलत है। आप कम से कम 7 नवंबर से लेटर इशू है तो 7 नवंबर 2015 से ही उसको लागू करना था, ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए इसमें भी विसंगति कही जा रही है। बता दें एक्स ग्रुप को भी 2016 के पहले वालों को पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद 2019 में ओआरओपी 2 लागू करना था, लेकिन 2019 में कोरोना आने के बाद डीए तो फ्रीज कर ही दिया गया। आप देख सकते हैं इधर से हमारा डीए फ्रीज हुआ 1/7/2019 के बाद, इसके बाद मिलना बंद हो गया। ये 18 महीने का डीए तो हमारा फ्रीज ही कर दिया गया, लेकिन ओआरओपी 2 लागू होना था 2019 में, इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और बता दें जिसे 2023 में लागू किया गया तभी से पूर्व सैनिक जवान वर्ग इससे नाराज हो गया क्योंकि इसमें एक तो डिले लागू किया और इसके बाद कई चीजें इसमें विसंगति पैदा कर दी गई। जो 1/7/2019 में लागू करना था जिसको 2023 में लागू कर रहे हो और उसके बाद भी इतनी विसंगतियां पैदा कर दी कि अब पूर्व सैनिक उससे नाराज हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि 2024 आने वाला है लेकिन डीए 50% तक भी नहीं पहुंचा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में डीए कम बढ़ता है, डीए कम बढ़ाती है, ये सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं है। तो आप भी जरूर कमेंट करें। बता दें 2026 में अगर देखा जाए तो 8वां वेतन आयोग लागू होना है, लेकिन क्या सरकार इसको लागू करेगी या उसी डीए को मर्ज करेगी ये आपको 2024 में ही पता चलेगा क्योंकि अभी सरकार ने इसके कोई भी पत्ते नहीं खोले हैं। तो ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।